हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप नेल टेक्नीशियन बनना चाहते हो सो कौन से प्रोडक्ट आपको लेने होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो नेल टेक्नीशियन की लाइन है ना, मैं इस लाइन में एक साल से हूँ। नेल टेक्नीशियन के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं एडवांस लेवल तक। सो आज जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ वो बेसिक लेवल के हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी नेल प्रेप करने के प्रोडक्ट्स। सो सबसे पहला और जरूरी जो प्रोडक्ट है ना वो है हैंड सैनिटाइजर। सो क्या होता है ना कि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपको नहीं पता उनकी हैंड वॉश्ड हैं क्या है उनके हैंड में, तो मेक श्योर आप अपने पास एक सैनिटाइजर रखें। आप अपने भी हाथ क्लीन कर लीजिए और अपने क्लाइंट के हाथ भी क्लीन कर लीजिए। ऐसा करने से आपका जो काम है वो भी अच्छा होगा, कोई ऑयल वगैरह नहीं होगा हाथ में और थोड़ी सी सफाई वगैरह भी रहेगी। सो सैनिटाइजर आपको मस्ट रखना है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा वो है बफर। इनके बिना काम नहीं चलने वाला आपका नेल टेक्नीशियन का। थिकनर अभी आप दो बफर ले सकते हो। आज तो मेरे पास बहुत सारे बफर्स हैं बट एज अ बिगनर मैं आपको दो बफर रिकमेंड करूँगी, जो कि है एक 100x80 का बफर जिससे आप नेचुरल नेल्स को बफ करोगे, एंड दूसरा है ये ब्लॉक बफर। इसके अंदर आपको सॉफ्ट बफर भी मिल जाएगा एंड इससे आप नेल्स को ड्राई कर सकते हो। सो बफर, ये दोनों बफर आपके किट में होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बफर्स के बाद कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके किट में, वो है नेल कटर। सो नेल कटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब भी क्लाइंट आपके पास आएंगे तो उनके नेल कट नहीं होते हैं। सो एक्सटेंशन करने से पहले आपको नेल को कट करना पड़ता है। सो कटर को आप अपने किट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। सो नेक्स्ट पर नेल कटर के साथ साथ आपको अपनी किट में सीजर भी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप कट कर सकते हो नेल्स को, साथ में आप इसे शेप बनाने के लिए भी नेल्स को कट कर सकते हो। वो मैं अपने आने वाली वीडियोस में आपको बताने वाली हूँ, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखना मेरे चैनल को। सो नेक्स्ट आपको चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, वो है एसीटोन। एसीटोन ना नेल एक्सटेंशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो इससे आप नेल्स पेंट को रिमूव कर सकते हो, डस्ट को रिमूव कर सकते हो। सो एसीटोन आपको लेना ही होगा। सो यस, अभी नेक्स्ट आपको चाहिए थोड़ी सी वाइप्स। वाइप्स जो होती है ना वो नेल एक्सटेंशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इससे आप क्लीन कर सकते हो डस्ट को, कुछ भी एक्स्ट्रा जेल की लेयर है उससे साफ कर सकते हो इससे। सो वाइप्स भी आपको लेनी होगी बेसिक नेल टेक्नीशियन का कोर्स करने से पहले। सो यस, अभी नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना वो मेरे पास है क्यूटिकल कटर। इससे आप क्यूटिकल को कट कर सकते हो एंड इसके साथ ही ना आपको क्यूटिकल पुशर भी मिल जाता है। सो ये 2-in-1 प्रोडक्ट है। सो इससे आप अपने क्यूटिकल को पुश कर सकते हो एंड क्यूटिकल से कट कर सकते हो अपने एक्स्ट्रा क्यूटिकल को। सो नेक्स्ट जो मस्ट हैव प्रोडक्ट है नेल टेक्नीशियन के कोर्स में वो है डस्टर। जैसे ही आप नेल को बफ करते हो या फिर क्यूटिकल स्किन को रिमूव करते हो तो आपको चाहिए होता है उसको साफ करने के लिए कुछ, तो आप इन सब को साफ करने के लिए यूज़ कर सकते हो नेल डस्टर। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है नेल्स को प्रेप करने के लिए। सो डिहाइड्रेटर में आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप फुल साइज़ नहीं ले सकते डिहाइड्रेटर तो आप एक स्मॉल साइज़ का ले लीजिए। मेरे पास ये यहाँ पे शेल्स का है। शेल्स का डिहाइड्रेटर ना मैं एक साल से यूज़ कर रही हूँ। सो क्वालिटी वाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो आप प्लीज़ इसमें एक बार इन्वेस्ट करके जरूर देखना। सो गाइज, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक्सटेंशन करने का सामान। सो एज अ बिगनर आप जेल एंड एक्रेलिक की ऑप्शन रख सकते हो अपने क्लाइंट के लिए, बट अगर आपको रखना है तो आप पॉली जेल भी रख सकते हो, जेल एक्स भी रख सकते हो। बट अगर आप बिगनर हो ना और आपका बजट कम है तो अभी आप जेल एंड एक्रेलिक ही रखिए अपने पास।
सो जेल करने के लिए आपको चाहिए होगी बिल्डर जेल। मैं पर्सनली पसंद करती हूँ IPD की बिल्डर जेल, सो ये बहुत अच्छे से काम करती है। मैं इसे काफ़ी तरह से यूज़ करती हूँ, नेल आर्ट्स के लिए भी एंड एक्सटेंशन करने के लिए भी। सो आप IPD की बिल्डर जेल में इन्वेस्ट कर सकते हो एज अ बिगनर। एंड अगर आप एक्रेलिक भी करना चाहते हो तो आप रख सकते हो अपने पास कैमिलॉन का एक्रेलिक पाउडर, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आपको शेल्स का लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, बट वो ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो एज अ बिगनर मुझे पता है जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमारा बजट थोड़ा सा कम होता है, तो स्टार्टिंग के लिए ना अभी आप कैमिलॉन का ले सकते हो। सो आपको साथ में इसके लेना पड़ेगा मोनोमर, इसके बिना तो एक्सटेंशन होगी नहीं एक्रेलिक। सो मोनोमर भी आप ले सकते हो EZ फ्लो का एक्रेलिक एंड मोनोमर। एंड साथ में आपको चाहिए होगा डैप एंड डिश मोनोमर को डालने के लिए, तो ये आप अभी इस तरह की ले सकते हो। वैसे तो ढक्कन वाली भी आती है डैप एंड डिश, बहुत सारी आपको फैंसी भी मिल जाएगी, बट एज अ बिगनर ये बहुत अच्छी है। एंड आपको एक्रेलिक करने के लिए कुछ ब्रशेस भी चाहिए होंगे, सो ये ना ब्रशेस का पूरा सेट मिल जाता है, सो इस तरह का आप सेट ले सकते हो। ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। हम ना जो भी ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं उनमें हम एक पूरी कंप्लीट किट प्रोवाइड करते हैं, सो अगर आप भी हमारे ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होना चाहते हो तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो इसमें आपको ना मास्टर क्लास भी मिलती है, इंडिविजुअल क्लासेस भी मिलती हैं। सो अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। सो अभी बिल्डर जेल के लिए भी आपको ब्रश चाहिए होगा, सो उसके लिए आप ले सकते हो ये वाला ब्रश, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। सो बिल्डर जेल करनी है तो ब्रश भी लेना पड़ेगा आपको बिल्डर जेल वाला। अभी एक्सटेंशन करनी है तो उसके साथ आपको टिप्स भी चाहिए होंगी ना, तो यहाँ पे मैं आपको टिप्स भी दिखाने वाली हूँ। सो एक तो आपको लेनी होगी यू कट टिप, जो कि इस तरह की होती है। सो इसके ऊपर आप कर सकते हो जेल एक्सटेंशन, एक्रेलिक एक्सटेंशन, पॉली जेल एक्सटेंशन। सो ये टिप आपको लेनी ही होगी, मस्ट हैव है, ये लेनी ही चाहिए हर नेल टेक्नीशियन के पास। सो इसके अलावा आपको लेनी होगी कुछ प्रेस ऑन करने के लिए टिप्स। कई सारे जो आजकल क्लाइंट्स हैं ना, वो प्रेस ऑन ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो जल्दी से हो जाते हैं। सो प्रेस ऑन के लिए ना आप ये फुल साइज टिप ले सकते हो, इसमें ना आपको काफ़ी सारी शेप्स भी मिल जाएंगी। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ना आप बैलरीना टिप ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल। और आप ले सकते हो आलमंड। इन टिप्स की ना आप शेप भी चेंज कर सकते हो, इनकी साइज भी चेंज कर सकते हो, सो वो मैं आपको आने वाली अपनी वीडियोस में बताने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। सो गाइस, टिप को अप्लाई करने के बाद उसको पेस्ट करने के लिए आपको ग्लू की भी जरूरत होगी, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ग्लू सजेस्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले और जो मेरी मोस्ट फेवरेट है, जो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, वो है ये 401 ग्लू। ये मैं प्रेस ऑन के लिए भी यूज़ करती हूँ एंड एक्सटेंशन के लिए भी यूज़ करती हूँ। सो इसकी जो स्टेइंग पावर है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट यस, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसे यूज़ कर रहे हो। ये मेरी मोस्ट फेवरेट ग्लू है और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसी को ले लीजिए, बाकी आपको ग्लूज को लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको रखनी है कुछ और ग्लू भी, अगर आप प्रेस ऑन के लिए रखना चाहते हो ग्लू, तो आप इस तरह की ग्लू रख सकते हो। और ये भी है, ये आपको अमेज़ॉन से मिल जाएगी। उसके बाद आपको टिप को कट करने के लिए, उसे रीसाइज करने के लिए एक टिप कटर भी चाहिए, तो बिगनर हो तो ये वाला ले लो। सो ये टिप कटर भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। बेस कोट आप ले सकते हो अगर आपका बजट कम है और आप स्टार्टिंग कर रहे हो भी, या अगर आप प्रोफेशनल भी हो, तो स्विस ब्यूटी का जो बेस कोट है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे मेरे पास शेल्स का भी है, बट मोस्ट प्रेपरली मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। सो ये मस्ट हैव है बेस कोट। इसके अलावा आपको कुछ नेल पेंट्स रखनी होगी अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, सो मैं आपको यहाँ पे नेल पेंट्स रिकमेंड करने वाली हूँ।
सो ब्लैक वाइट जो मस्ट हैव कलर है वो आपको लेनी होगी। सो मेरे पास ना कुछ शेल्स के नेल पेंट हैं एंड कुछ मेरे पास है स्विस ब्यूटी की। नहीं तो अगर आपको है आपका बजट ज़्यादा तो आप शेल्स की ले सकते हो। सो शेल्स की नेल पेंट्स भी काफ़ी अच्छी होती हैं। सो नेल पेंट्स लगाने के बाद उसको आपने सील भी करना है, जिसके लिए आप यूज़ करोगे एक अच्छा सा टॉप कोट। सो शेल्स का जो टॉप कोट है शाइनी वाला, वो मुझे बहुत पसंद है। अभी थोड़ा सा कम ज़रूरी है बट ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये है टूथ स्टिक। सो कई बार क्या होता है ना कि जैसे हम नेल पेंट्स को लगाते हैं वो साइड में लग जाती है, सो उसको रिमूव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो टूथ स्टिक। इससे आप नेल आर्ट भी क्रिएट कर सकते हो। सो ये भी आप अपने किट में जरूरी रखना। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना उसके बिना नेल एक्सटेंशन आप कर ही नहीं सकते, वो है यूवी लैम्प। सो आपके पास एक बेसिक सा यूवी लैम्प होना चाहिए अगर आप नेल टेक्नीशियन बनना चाहते हो। सो एज अ बिगनर आप यूज़ कर सकते हो सन का यूवी लैम्प। सो गाइस एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना ही भूल गई, वो है क्यूटिकल ऑयल। क्यूटिकल ऑयल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेल केयर करने के लिए और नेल एक्सटेंशन पे लगाने के लिए। सो मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ शेल्स का क्यूटिकल ऑयल, बहुत अच्छा है और सस्ता। सो गाइस ये थे सारे प्रोडक्ट जो आपको चाहिए होंगे अगर आप एक अच्छे नेल टेक्नीशियन बनना चाहते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, शेयर कर दो इस वीडियो को जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स में इंटरेस्टेड है नेल का काम सीखने के लिए, सो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारा नेल टेक्नीशियन का कोर्स ऑनलाइन भी आ गया है, ऑफलाइन भी आ गया है, जिसमें आपको इंडिविजुअल क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी और सारी किट भी प्रोवाइड की जाएगी आपको। जो भी मैंने सामान आपको भी दिखाया है ना वो सारा आपको मिलेगा फ्री हमारे कोर्स में। सो इस कोर्स की जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो मेक श्योर आप हमें कनेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।